बड़ा मौसम मौसम, वाह यार, भाई साहब यहाँ से तो जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत टाइम बाद लग रहा है भाई। यहाँ दोस्तों बाबा के दरबार पर पहुंचने वाले हैं। बस पागल है क्या अपने साथ? उत्तराणी को तिकला गिरो कह रहे हैं वो भी, उसकी भी डेथ होगी करके। तो गाइस देख सकते हैं आप, अभी अभी हम यहाँ पहुंचे, हरकेड़ा से थोड़ा जस्ट आगे है। जय हो चौम बाबा, जय हो चौम बाबा। ये देखिए भाई, तीन महान गांधी जी के तीन बंदर। अच्छी दूरी है और हम पहुंच जाएंगे। गाड़ी रह गया, पोपट हो गया, देखते ये ये चार महीने पीछे सर आओगे तो ना गंगनौला में भात नहीं खाओगे तो कुछ फायदा नहीं। इतना इसके लिए फेमस है भाई गंगनौला के चावल। चलिए एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, उससे पहले हेलो हाय नमस्कार प्रणाम, कैसे हो दोस्तों? आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे। तो दोस्तों एक राइड राउडी स्टाइल में और आ चुके हैं दोस्तों के साथ। आज हम जा रहे हैं उत्तराणी का कोती का मेल देखना। पंचेसर सरयू के घाट पे जा रहे हैं उत्तराणी का मेल देखने के लिए। तो अभी दोपहर में कल होता है, आज शाम से ही होने लग जाता है। तो अभी के लिए निकलते हैं दोस्तों, आपको हम मार्केट में मिलेंगे। यहाँ ना कुछ दिक्कत होगी बाइक में, तो इस वजह से हम स्टार्टिंग घर से नहीं कर पाए, तो अब स्टार्टिंग करेंगे इसके बाद हम मार्केट से। तो दोस्तों पंचेसर में एक से एक आपको वहां दिखाएंगे, रात वही गुजारनी है, तो मिलते हैं आपको। ये मिलते हैं दोस्तों, अभी के लिए बाय बाय। सो दोस्तों अभी हम मार्केट है, मार्केट में भाई सन्नाटा छा रखा है आज, क्योंकि सब चले गए हैं ना उत्तराणी का मेला देखने के लिए। भाई हम भी जा रहे हैं, वेट कर रहे हैं, वो अभी आए नहीं है ना, कोई बाल कटाने चले गया है कोई कहीं, अभी हम मार्केट में उनका इंतजार कर रहे हैं। क्या बताएं यार भाई, इनका फैशन ही पूरा नहीं होता, फैशन ही पूरा नहीं होता, पता नहीं कहाँ चले गए, इधर तैयार करके भेजना पड़ता है। अभी चलो अभी यहाँ से निकलते हैं, फिर अभी मिलते हैं भाई ट्रेवलिंग में और मोटो ब्लॉग के साथ। सो दोस्तों हम निकलते हैं मार्केट से, बहुत टाइम हो गया भाई, 3 बज गया यार यहाँ से, तो अभी हमने 40 किलोमीटर का रास्ता तय करना है। और वो तो निकल चुके हैं कब का, क्योंकि यहाँ उनने अपने बाल वाल कटवाए, अपने काम किया, सीधे निकल गया भाई सूट में, कैमरा लगे हैं, निकल चुके हैं। हम भी मार्केट से निकलते हैं अब सीधे। सो दोस्तों रामलला मैदान पे इनका शूट चल रहा है, अभी हमसे हमने यहाँ से ना 40 किलोमीटर का रास्ता तय करना है, फिर भी यार ये चलने के लिए राजी नहीं है। चलो यार चलते हैं हम, चलो। तो देखो ना कितना मस्त सीन आ रखा है भाई, अभी मिलेंगे ना आपको मोटो ब्लॉग के साथ, अलग ही मजा आएगा। चलो चलो भाई निकल। सो दोस्तों निकल चुके हैं, कहाँ घुमा रहा है समझ में भी नहीं आ रहा है, मार्केट से निकल चुके हैं भाई। भाई गलियां ही गलियां हैं यहाँ तो मार्केट में, लोहाघाट की मार्केट में एक से एक गलियां मिलेंगी आपको। कैसी कैसी जगह से ले जा रहा है यार ये। अन्ना भाई चलो, भाई चलो 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 दोस्तों, इन गलियों के साथ मिलते हैं आपको मोटो ब्लॉग में, और साथ साथ आज पहुंचेंगे हम उत्तराणी के कोतिक के मेले में। यहाँ से हमने ना अभी 40 किलोमीटर का रास्ता तय करना है। ये पीछे से आए भाई हमारे राइडर, राइडर मजा आ रहा भाई। और वैसे ना पूरी मार्केट सुन्न पड़ी है यार, सब इधर उधर गए ना, क्योंकि यार कल पर्व है हमारा उत्तराखंड का पर्व, जो कि बसंत पंचमी के नाम से जाना जाता है, लोहरी भी कहते हैं, लोहरी कहते हैं पता नहीं क्या कहते हैं, बसंत पंचमी की तो कहते हैं। हाँ मतलब त्यौहार होता है हमारा, सबसे पहला त्यौहार नए साल का हमारा यही होता है। हम जाएंगे आज सरयू के घाट में भाई, वहाँ होता है उत्तराणी कौतिक मेला। वैसे आपने पप्पू गार्गी का सॉन्ग सुना होगा जो उत्तराखंड में होंगे, उत्तराणी कौतिक लागी रहो, उत्तराणी कौतिक लागी रहो, ये गाना हम वहीं पहुंच के आएंगे दोस्तों। ये तो स्टार्टिंग है, देखो आगे आगे भाई साहब, वो तो इतना भाग रहे हैं ना, डाले क्या अपना भी गेट चल आए। ये नहीं फोन नहीं उड़ा चाहिए, तभी दोनों हाथ से पकड़ फोन नहीं उड़ा रहे नहीं नहीं फोन नहीं उड़ा चाहिए, फोन जब उड़ जाएगा तो भाई ब्लॉगिंग कहाँ से होगी, एक तो फोन ही सहारा है भाई। ये मार दिया कट, चलो भाई निकलते हैं, सबका पीछा करते हैं। डर लग रही है यार इसको, अभी तो स्पोर्ट्स बाइक है ही नहीं है,
स्पोर्ट्स बाइक का इंतजार है भाई, कब आएगी स्पोर्ट्स बाइक, मजा आएगा भाई साहब, जो झुका के पहाड़ों में ना ही बना के मजा आएगा। बहुत लेट हो चुके हैं यार, खाना भी नहीं खा रखा भाई, भूखे हैं सुबह से, और खाएंगे गंगनौला में भात, अब मजा आएगा, पहाड़ी डिश ना पहाड़ी भात दाल खाएंगे आज। अरे भाई साहब, ये तो रेत की आ गई, रेत में खतरा नहीं लेना भाई, खतरे से बचना है। अच्छा ये सो, चल 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 चल, इंडिकेटर बता रहा है कहीं जाएंगे, इंडिकेटर का तो ध्यान ही नहीं है भाई। ओह यहाँ पे एक दिन हमें पुलिस मिली थी और इतने अच्छे से प्यार से हाथ दे रहे थे ना, तू रुक जा करके, और मैं रुकूंगा पुलिस के हाथ भाई साहब, मतलब डर आज भी है भाई, तो वो तो ऐसे घुमा रहा है ना आगे, अनिल भाई को देखो ना, ये भाई ये ना मजा आ जा रहा है, और उसमें 220 को ना ऐसे ये गंगनौला पहुंच गया, यहाँ पे खाना खाना वो चले गया यार, पागल है क्या वो, पकड़ दो पकड़ना, मैं इसको खान छिंगना की छिंगना पूछे थे, उसको बुलाने गया हूँ यार, बताओ तो सी, खाना खाने के लिए आ करके दौड़ लगा दे रहा है बस, गंगनौला में खाना ही नहीं खाया तो फायदा ही क्या फिर ये, अब अरे महान देखो तो इसको देखो ये भागने की हो रही भाई, भूखे भूखे भागने की हो रही, पता नहीं क्या क्या समझ रहा है, खाना भी नहीं खाना है इसने, बताओ तो सी, चल भाई ओए चल खाना खाए भाई साहब, यार थोड़ा रुक जाओ यार, गंगनौला का भात खाने में एक अलग ही मजा है भाई, ये देखो यार, मैंने भी खाना, भूख लगी है बड़ी तगड़ी भाई, इतना टेस्टी खाना बनता है ना गंगनौला का, मजा सबसे पहले चुरा ले, छल्ला भी दिखा दो भाई, ये बिज्जू छल्ला, चलो फटाफट से हिमाचली गमछा, ये केदारनाथ से देखो भाई, यहाँ आते हो तो ना गंगनौला का भात जरूर खाना भाई, पंचेश्वर आओगे तो ना गंगनौला में भात नहीं खाओगे तो कुछ फायदा नहीं, इतना टेस्टी खाना भाई, मजा आया था, चलो मैं खाता हूँ फटाफट, खाना किसके लिए फेमस है भाई, गंगनौला के चावल पलेव भात तो छाछ के लिए उत्सुक है ना, ये कड़ी इसको पहाड़ी में बोलते हैं पलियो, ये देखो पूरी गटक जाएंगे अकेले, और कोई नहीं खा रहा है भाई हम में से, गरम रखी है पर फिर भी ये इनका कहना है कि पूरा फेमस है यार गंगनौला का चावल ना, पलियो भात के लिए। चलो दोस्तों खाना भी हो गया है, अब निकलते हैं सीधे सरयू के घाट पर, चल भाई चलते हैं, चल चल भाई चल, कर देना यार सब्सक्राइब कर देना, देख लेना हमारे छोटे बच्चे। चलो दोस्तों निकल चुके हैं गंगनौला से हम, खाना पीना लपेट लिया भाई, मजा आ गया सच में बताऊं, मैंने तो एक कटोरा पी लिया पूरा वो मट्ठे का ना, जैसे हम पलियो गुना भाई पहाड़ में पलियो गुना, आप जाना हम सरयू घाट में पंचेश्वर, ठीक है, एक पर्यटक स्थल है वैसे आपको पता होगा, वहाँ पे भाई सबसे बड़ा बांध बन रहा है, बांध जिसका अभी काम चला जा रहा है, वहाँ तो मुश्किल है जान पहुँच पाना, आज हम जा रहे हैं चौखा जो शिव शंभू महाराज हैं उनके दरबार में जा रहे हैं, जो ये चौमू बाबा के नाम से जाने जाते हैं, जय हो चौमू बाबा की, यहाँ से सफ़र अच्छा रहे, बस सुहाने मौसम के साथ धूप भी खिल चुकी है, वैसे शाम को धूप खिल रही है भाई, वैसे धूप नहीं मिली थी अभी तक हमें, सामने देखे ना एकदम से मज़ा आ गया भाई, ठंडी ठंडी हवाएं के साथ ना अलग ही मजा, वहाँ तो और भी ठंडा होगा भाई, क्योंकि सरयू नदी जो है ना पंचेश्वर के पास ही है, वैसे पंचेश्वर के एम्बुलेंस एम्बुलेंस जगह 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 एम्बुलेंस के लिए जगह ही नहीं है भाई, जब भी आपको एम्बुलेंस मिले ना अपनी गाड़ी को साइड कर ले, या फिर अगर जाम लग रहा है तो एम्बुलेंस को जगह दे, क्योंकि यार एमरजेंसी होती है भाई, उसको तो जगह देनी है। वाह क्या सुहाना मौसम है, देखो ना पहाड़ों में यही तो रौनक है, मजा आ गया भाई, सही होता तो ऐसे ऐसे सीन तो आपको पूरे रास्ते पर मिलेंगे एक से एक भाई, बस वीडियो के साथ बने रहो, बहुत मजा आने वाला है आज, ऐसे ही ना धीरे धीरे आपको ट्रैवलिंग ब्लॉग जरूर मिलेंगे, मजा आता है ट्रैवलिंग ब्लॉग में, और आपको कैसा लगता है एक बार आप भी कमेंट करके बताइए, मस्त एकदम एकदम मस्त, लव यू टू बेबी, सो दोस्तों अब मैं आपको
कुछ नजरिया दिखाता हूँ जो कि हमारे यहाँ नगरी के दिखाता हूँ भाई। सामने ये तो आपको गुंदे दिख रही, ये इस साइड देखिए भाई, ये है हमारे हमारा गांव जो अगली पहाड़ी पे दिख रहा होगा, उसी के सामने वाली पहाड़ी से हम जा रहे हैं भाई वहाँ की ओर। देख रहा कितना जबरदस्त सीन है भाई यहाँ से, तो क्या दिखता है, मजा आ जाता है सच में कहो तो। देखो ना, अब हम धीरे धीरे ऐसे नीचे नीचे की ओर जाएंगे, ये ऊपर ऊपर हमारा वैसे भी टॉप में हम तो भाई साहब यहाँ से निकलते हैं, हम बहुत दूर जाना है अभी तो। ये ब्रदर चलो भाई, हम पहुंचने वाले हैं गुमदेश के नीचे। कई सीन दिख रहा ना, मजा आ रहा भाई, इसलिए मैंने यार फिर वीडियो मैंने सोचा क्यों ना आपके बीच प्यारा सा खूबसूरत सा सीन दिखाते हैं। भाई साहब ये तो क्या कट मार के जा रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं चल रहा भाई, ना हॉर्न मार रहे ना कुछ मार रहे, अभी कहाँ कितनी दूर से और कितनी पास पहुंच गए भाई, सबसे पीछे मैं ही हूँ, क्या करें यार। चलो फिर ठंडा लग रहा है भाई बहुत ज्यादा, धीरे धीरे ठंड बढ़ते जाए क्योंकि हम सरयू घाट के पास जाने वाले हैं, नदी के पास। यानी बुलावा आया है, चमू बाबा का बुलावा आया है, तो हमने सोचा क्यों ना जाएंगे जरूर। वैसे हमारे पास ना बहुत सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है, आज हमने सुबह ही गाड़ी दिक्कत कर दी, गाड़ी ने मुश्किल से उस गाड़ी को हमने मार्केट लाए, फिर उसके बाद सही करवाई, फिर उसके बाद यार चलो खाना पीना अच्छा हुआ, मजा आया। अब हमारी कैटल वही छूट गई भाई, अब रात का इंतजाम सोच रहे हैं कहीं कैटल मिल जाए तो हमारी केतली ना, तो उससे हम चाय का इंतजाम करें। यहाँ कहाँ बच गया 4 भाई, देखो कहाँ कब तक पहुँचते हैं, अभी तो 2 घंटे का रास्ता मेरे ख्याल से अभी भी तय करना होगा हमने, जल्दी पहुंच जाते हैं। वैसे आज क्या बताएं आप, आपको बता चुके हैं दिक्कतों का बहुत सामना करना पड़ा। वाव यार वाव, देखिए ना दोस्तों क्या सीन दिख रहा है आपको, खुद देखिए आप व्यू तो क्या दिख रहा है भाई साहब, ये देखिए इधर से आ रहे भाई, मॉर्निंग में दिखाएंगे इसको हम जब लौटेंगे ना वहां से। सुहाना बड़ा मौसम वाव यार, भाई साहब यहाँ से थोड़ा शूट करना था यार, यहाँ पे तो शूट करना था भाई, हमने यहाँ पे आगे शूट करते हैं यार, शूटिंग करते हैं मतलब कि फोटो वोटो खिंचवा लेते हैं थोड़ी सी, अभी तो कुछ स्टार्टिंग ही नहीं की है, आगे शूट करते हैं यार, सामने अच्छा सीन है। जे यहाँ पे रुक गए हैं, यहाँ पे थोड़ी देर शूटिंग कर लेते हैं भाई। सामने आपको दिख रहे होंगे पहाड़, जहाँ से धूप आ रही है वहाँ हमारा गाँव बसा है भाई प्यारा सा, सुबह मॉर्निंग में दिखाएंगे, अभी फिलहाल के लिए आधे रास्ते में पहुंच चुके हैं दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा शूटिंग कर लेते हैं क्योंकि टाइम ही नहीं मिला यार अभी तक, कभी भी फोटो भी नहीं खींच सकते बताओ, तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में, शूटिंग वूटिंग कर लेते हैं दोस्तों के साथ, एक दो क्लिप तो लेनी पड़ती है भाई साहब मुझे। तो दोस्तों आधा रास्ता हमने कर लिया है तय, अब कुछ ही दूरी है और हम पहुंच जाएंगे पंचेश्वर मंदिर जहाँ उत्तरायणी का मेला होने वाला है। ये हमारे अन्नवाय, हमारी कॉफी, हमारी चाय पत्ती, हमारी चीनी जो एक बैग में था, और हमारा केटल वो लोहा गाड़ी रह गया है, पोपट हो गया, देखते हैं अब चाय किस में बनाते हैं और कैसे पिएंगे। ये हम दोनों को भी दिखा दे रहा है। तो गाइस देख सकते हैं आप, अभी हम यहाँ पहुंचे हरकेड़ा से थोड़ा जस्ट आगे है, तो देख सकते हैं आप वहाँ मऊ है, वो पुनियाल है, देखिए सामने हमारा गांव है, तो हम यहाँ पंचेश्वर में कहाँ है, हाँ वो है वो जहाँ धूप आ रही है दिख नहीं रहा है, तो ऐसे बुबू जी हरकेड़ा ही है ना, हाँ हरकेड़ा ही है ये, तो यहाँ पहुंच चुके हैं हम, तो इधर से कितना लगभग 15 या 20 किलोमीटर होगा, इतनी दूरी पर हम जाएंगे, आराम से जाएंगे, रात हमारी है वहाँ एंजॉय करेंगे, अब क्या करें, कैटल तो वहीं भूल आए हैं, चाय किस में पियेंगे क्या करेंगे देखते हैं आगे, तो मिलते हैं आपको। चलो दोस्तों शूटिंग भी हो चुकी है, 2-4 फोटो ले लिए भाई कैमरे पे, क्या करें यार फोटो के बिना तो मजा ही नहीं है, पोस्ट कैसे करेंगे, तो निकल चुके हैं फिर हम, और यहाँ से 12 किलोमीटर का रास्ता तय करना है, वो तो एकदम से तेजी से भाग रहे हैं यार, रात भी होने वाली है, बात तो ऐसा कुछ सिस्टम भी नहीं है भाई मेरे पास जिससे कि मैं वीडियो क्लिप बना सकूं, जितनी होगी बाइक की लाइट उसी से बना पाएंगे। देखिए भाई इसने तो कंबल भी ओढ़ लिया भाई साहब, लाइट भी आ रखा है, अन्ना अन्ना ने कंबल ओढ़ लिया भाई, दिखा दो इसको, दिखा कंबल ओढ़ लिया भाई, कंबल देखो तो सी वो लाइव आ रखा है इसका भाई और आगे दिखा जय हो प्रभु, सबसे पहले इन्हीं के दर्शन होते हैं भाई यहाँ पे, जय हो मालिक, जय हो प्रभु, जय हो, इनके दर्शन तो यहाँ से गुफा है भाई, मैं आपको दिखाता हूँ, चलो उठ जा आपको मैं दिखाता हूँ भाई, ये गुफा है, जय हो मालिक जय हो प्रभु, यहाँ से ना पैसे डालने पे कुछ रहस्यमय है, जय हो मालिक जय हो, ये आपको गुफा दिख रही होगी शिव शंभू महाराज,
बस सिक्का डालोगा तो कहाँ खनक के गया आपको पता नहीं चलेगा। यहाँ की रहस्यमय कहानियां भी आपके भी शिव मंदिर का आया है। और यहाँ पे मंदिर की स्थापना इसलिए की गई है क्योंकि यहाँ पे पहले बहुत सारी दुर्घटना हुई करती थी, लेकिन भाई जब से बाबा का यहाँ से आशीर्वाद मिला है ना, यहाँ से कोई दुर्घटना नहीं होती है। तो निकलते हैं, यहाँ से बाबा का आशीर्वाद ले लिया है तो जल्दी से जाते हैं इन्हीं के धाम पे, बड़े धाम पे जा रहे हैं। तो निकलना भी है, रात हो रही है, तो आते टाइम मिलेंगे आपको। फिर निकलते हैं और हर महादेव। चलो दिख गया है भाई, गंगा मैया के दर्शन हो चुके हैं, सरयू गंगा मैया के दर्शन हो चुके हैं भाई साहब। चलो चलो भाई चलते हैं यहाँ से, यार नहीं यार अब चलते ना लाइट। भाई ये देख डबल लाइट बना रखी। चलो चलो निकलते हैं, सामने जो रास्ता आ रहा है वो तो डैम के लिए है, पर यहाँ से हम करेंगे लेफ्ट। हाँ ये रास्ता जाता है सामने ना, ये रास्ते डैम के लिए जाता है, पर हम यहाँ को जा रहे हैं। हमने तो जाना है भाई चौमू बाबा के मंदिर में। और ये जो रास्ता है ना यहाँ से भाई, अब इस मॉर्निंग में दिखाऊंगा, नेक्स्ट ब्लॉग में जो अगला ब्लॉग आएगा ना दोस्तों, मैं उसमें आपके बीच लाऊंगा। ये यहाँ से जो सीन है ना सुबह का भाई साहब, इतना जबरदस्त है ना, मैं तो बहुत बार आकू यहाँ पे, मैंने बहुत ज्यादा शूट कर रखा है, फोटो शूट कर रखा है बहुत ज्यादा। शूटिंग करने के लिए ना यहाँ बहुत ही बढ़िया है यार, साल के पेड़ है और एकदम जबरदस्त है। और कल तो क्राउड रहेगा भाई इस रोड में बहुत ज्यादा। अभी तो जो पहुंचने थे पहुंच चुके हैं, फिर भी रास्ते पे अभी गाड़ियां चलती जा रही हैं। वो एकदम यार यहाँ से मोड़ बड़े खराब है भाई, एकदम कर्व मोड़। बेटा ये क्या कर रहा है, पागल है क्या, अपने सब यात्रा के चक्कर में हमें वो कर देते यार। ये तो कल ही एक्सीडेंट हो रखा है भाई इसी रोड में, भाई साहब कल एक्सीडेंट हो रखा है। कल एक पिकअप गिर रखी है भाई यहाँ, भाई एक कल पिकअप गिर रखी है, वो कहीं वही तो नहीं है, उसी की सब यात्रा तो नहीं हो रही है उसमें यार। तो गाय थी और वो ड्राइवर भी, सब ये सब वो चिक्के यार, हाँ ड्राइवर भी और गाय भी यार। हाँ यार भगवान की याद पर वो शांति दे कसम करिए। यहाँ से तो ना जो रास्ता है 2-3 किलोमीटर का भाई, ये तो एकदम कर्व रास्ता है, आराम से चलना, जंगली रास्ता है और एकदम भाई मोड़ ही मोड़ मिलेंगे आपको। सुबह दिखाऊंगा मॉर्निंग में दोस्तों। अरे हल्की हल्की हवाएं आने लगी है भाई, पुकारे आने लगी हैं गंगा मैया की, पहुंचने वाले हैं बस, जस्ट ये मार्केट में पहुंच चुके हैं। अंकल लगा देना खिलने ला, ले कॉफी भी होगी भाई, दे भाई कॉफी। कहाँ मिलती चीनी, ब्रू की मिली है भाई कॉफी। अब इससे ज्यादा कुछ कहेंगे क्या आप, कुछ कहोगे क्या आप, क्या कहें यार, इतना खर्चा हो गया। ले कॉफी भी पी ले, बिस्कुट भी ले जाएंगे, कॉफी खरीदते रहो और हराते रहो खोते रहो। हला केतली तो तुम यार इतना लापरवाह इंसान है कि केतली तो वही छोड़ के आ गया, वो बिस्कुट जी खा देंगे गजब यार। कहीं 10 तो चाहिए भाई, रात में नींद नहीं आएगी। चलो भाई अब चलो, लकड़ी का क्या हो गया, क्यों जो ला इतनी ला रहे भंडा दिखने में क्या, भुक्का मरचा को ना, भुक्का वाला मरचा तो ला दिया सो भंडा ला। अबे लकड़ी तो पकड़ो, ला रहे होते लाकड़ भंडा ले छो, लाकड़ पकड़ यार, लाकड़ पकड़। चलो जय हो चौमू बाबा की। चलो चल दिए भाई चौमू बाबा के धाम की ओर। भाई साहब क्लियरिटी का तो पता नहीं है भाई, इतना सिस्टम में लाया नहीं था, रात हुई करके पता नहीं है। ये पुल में एंट्री हो चुकी है, बड़ा भयंकर पुल है, क्यों झूलता है भाई ये। तो वो है हमारे चौमू बाबा का मंदिर, वहां जा रहे हैं हमने। यहाँ से भी बहुत ज्यादा पैदल रास्ता है भाई, यहाँ से निकलते हैं फटाफट से, यहाँ यार नाइट शूट कर रहे थे यार। चलो ये देखिए भाई, तीन महान गांधी जी के तीन बंदर आगे कंबल लोड के जा रहे हैं, हम दोनों जीनियस पीछे, देखो ये दोस्तों बाबा के दरबार पर पहुंचने वाले हैं, बस कुछ ही कदमों की दूरी पर हम पहुंच जाएंगे। यहां से आपको धर्मशाला दिखने लग जाएंगे और यहां पे रहने की व्यवस्था, और जो कि बाबा का प्रसाद भी ग्रहण करके जाएं। अगर कभी आते हो तो नीचे आपको दुकानें भी दिखेंगी, तो अच्छा सेटल है भाई। इससे बहुत पहले लॉकडाउन की वजह से अगले साल पिछले सालों में यहाँ कुछ ऐसा कुछ हो नहीं पाया, इस बार तो महोत्सव नहीं हो रहे, लेकिन अगली बार से महोत्सव भी मिलेंगे आपको। पर ले चलता हूँ बाबा के दरबार में, बहुत सुकून सा मिलता है यार यहाँ आके ना, सच में बताऊँ तो हर बार आता हूँ यहाँ। नीचे देखिए और यहाँ पे ये जो धर्मशाले हैं, यहाँ पे सबने जल्दी आके भाई, इन्होंने यहाँ पे अपना कब्जा जमा लिया, अपने लिए खाना बनाते हैं, प्रसाद बनाते हैं। जूते भी छुपा लिए, हाँ भाई जूते वूते तो वहीं पे रख लेंगे हम। बस निकलते हैं हम, पहले
यहाँ क्यों? और ब्रदर कैसा लग रहा है यहाँ के भाई? हेलो हेलो भाई, बहुत मजा आ रहा है यार, देख सकते हैं आप, देख सकते हैं यार आप उसके बगल में सरयू के बाल भी आए हैं, सरयू नदी, सरयू नजारे है ना, वो मॉर्निंग में देखेंगे, मॉर्निंग में दिखाएंगे यार सरयू नदी। सोचा नहीं था यार भाई, उससे मस्त मेला लगा है यार, मस्त लगा है भाई। उसके बगल में सरयू नदी है और ये यहाँ पे बगल पे यहाँ दुकानें लगी है बहुत सारी, और सब यहाँ सब भाई हर कोई अपने लिए प्रसाद गर्म बना रहे हैं, ये धर्मशाला भाई सबने। हम तो बहुत लेट पहुंचे, हमें कहाँ मिलता, हम तो रात भर बगल में ही बितानी है भाई। देख लकड़ियाँ बहुत सारी है यार, हम तो लाए नहीं, ये खाली कहाँ है, कब पैक है सब, देख अंदर देख ले सब पैक है कसम से। ये तो जय हो चौम बाबा, जय हो चौम बाबा, कुछ इस तरीके से चौमू बाबा के आपको हम दर्शन कराते हैं सीधे चौमू बाबा के धाम में। हम पहुंच चुके हैं, सुबह को दिखाएंगे दोस्तों आपको हम एक अच्छा सा नज़ारा, इसके बाद हम नीचे लेते हैं बगल में जहाँ पे मेले लगे हैं। जय हो चौमू बाबा। ये हमारे पहाड़ों में धोनी भाई, जय हो चौम बाबा, जय हो। अभी तो कुछ भी नहीं है क्राउड भाई, ये अलग अलग धुनी जलती है, देखिए यहाँ पे ना, ये सबकी अलग अलग धुनी जली होंगी यहाँ पे, हर एक नए नए गांव, हर अलग अलग गांव से आते हैं, ये धुनी जला के रखते हैं। ये मैं तुझे इसको बताऊं, ये धुनी है ना जो, ये सब अलग अलग जलती है हर एक गांव की, पता है तुझे कब आया तू यहाँ? चलो फिर मैं पकड़ में ले जाता हूँ, ये चौम बाबा का मंदिर है, अंदर नहीं ले जा पाऊंगा क्योंकि जय हो प्रभु, जय चौम बाबा, चौम बाबा का आशीर्वाद सभी पे बना रहे, जय हो चौम बाबा। तो दोस्तों चामू बाबा के मंदिर में पहुंच चुके हैं और अभी हम आपको ले चलते हैं बगड़ में, यहाँ थोड़ी वॉइस कम आएगी क्योंकि पीछे एक सॉन्ग भी चल रहे हैं, तो यहाँ से आपको ले चलते हैं बगड़ में, फिर चलो फिर निकलते हैं बगड़ की ओर और यहाँ नीचे आपको दिखाते हैं यहाँ का मेला भाई। यहाँ पे दुकानें भी लग रखी हैं इस बार, जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत टाइम बाद लग रहा है भाई, यहाँ सरयू के बगल में ही बहुत सारी दुकानें लगी हैं, क्राउड बहुत ज़्यादा है भाई, कल को तो इससे भी 10 गुना होगा क्राउड, क्योंकि मैंने भाई फल फ्रूट सब मिल रहे हैं यहाँ, मूँगफली से लेकर कपड़ों से लेकर बाबा के धाम में जो भी चढ़ा हुआ है सब कुछ, चाउमीन तक मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है भाई यहाँ, देख रहा होगा आपको बगड़ में सब कुछ मिल रहा है। और अब सुबह कराएंगे आपको दर्शन गंगा मैया के और चामू बाबा के, ठीक है, बाकी आपको हल्का फुल्का दिखा देते हैं जिस तरीके से यहाँ चाउमीन बनाई जा रही है, जिस तरीके से भाई साहब ये तो ये भी पहुंच रखे हैं, देखिए पकौड़ी भी, ब्रेड पकौड़ा सब कुछ मिलेगा भाई। बाकी क्या कहें दोस्तों, इस वीडियो को अभी के लिए यहीं पे एंड करते हैं, तो मिलेंगे आपको फिर एक नई वीडियो के साथ, फिर एक इसी के ब्लॉग में मिलेंगे जो कि नेक्स्ट पार्ट आएगा कल ही को आ जाएगा दोस्तों, एक जल्दी एक नया पार्ट आएगा जो कि चौम बाबा के दिल में दर्शन कराएंगे और गंगा मैया के दर्शन कराएंगे, इन खूबसूरत सी वादियों के साथ मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, अभी के लिए बाय बाय।